वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी जामुन से ड्रिंक लेकर आई हूँ। ये इंस्टेंट बनकर तैयार होगी और बहुत ही फटाफट तैयार होगी, और जो लोग जामुन खाना नहीं पसंद करते हैं उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इसको हम काला खट्टा शरबत भी बोलते हैं। बहुत ही जल्दी बनेगा और इतना टेस्टी बनेगा कि आप इसके टेस्ट को भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो जामुन लिए हैं और 1 लीटर मैंने यहाँ पर पानी लिया है। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे। अब मैंने गैस पर एक पैन को रख दिया है और इसमें मैं ये जामुन डाल दूंगी। हमें हर मौसम में जो सीजनल फ्रूट्स आते हैं जरूर खाने चाहिए, और जामुन के तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये 1 लीटर पानी और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब देखिए मैंने पानी और जामुन को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें हम एक अच्छा सा उबाल आने देंगे। उसके बाद हम अपनी सारी चीजों को इसमें ऐड करेंगे। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारे जामुन है वो हल्का सा फूल कर ऊपर आ गए हैं और इसका जो कलर है जामुन का वो पानी में आना शुरू हो गया है और ये क्रैक भी होना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो सारा जामुन का जो पल्प है वो बीज से अलग हो जाएगा। और अब हमें इसमें बाकी का अपना सामान डालना है। मैंने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच खांड का यूज किया है। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं। ये चीनी की बजाय एक हेल्दी ऑप्शन है तो मैं इसलिए खांड का यूज कर रही हूँ। ये 5 से 6 चम्मच खांड है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप इसमें कम यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर ज्यादा का भी यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच ये भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा पाउडर है, ये भी इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच काला नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सफेद नमक, इसको हम डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 15 से 20 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि जो हमारे सारे जामुन का फ्लेवर है वो हमारे पानी के अंदर आ जाए। 10 से 15 मिनट हमें इसको अच्छे से बॉईल करना है और 5 मिनट के बाद हम इसको अच्छे से मैश करके जो जामुन के ऊपर जो भी पल्प लगा होगा वो हम हटा लेंगे। अभी देखिए मुझे जामुन को पानी में उबालते हुए 5 मिनट हो गए हैं और कितना अच्छा इसका जामनी कलर है जो पानी में आ गया है। और अब हम या तो कड़छी से या फिर मेरे पास पोटैटो मिक्सर है उससे हम इसको अच्छे से मैश कर देंगे ताकि जो जामुन के ऊपर जो भी गूदा लगा होगा वो पानी में आ जाए और इसको एक गाढ़ा सा टेक्सचर मिले। अगर आपके पास पोटैटो मिक्सर नहीं है तो आप कड़छी से भी इसको दबा दबा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा गर्म है और ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जूस बनकर तैयार होगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि इसके बीजों को ज्यादा ना दबाएं क्योंकि इसमें एक हल्का सा कड़वापन होता है, गुदा ही निकले। और इसको अब हमें 2 से 3 मिनट और पकाना है। अभी देखिए मुझे इस जामुन को पकाते हुए 3 मिनट और हो गए हैं। अब मुझे इसको पकाते हुए टोटल 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये हमारा जो जूस है बनकर रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम छान लेंगे। आप चाहो तो गरम गरम भी छान सकते हैं पर इससे हाथ जलने का डर रहता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करके फिर उसके बाद छानूंगी। अब ये देखिए मैंने इसको गैस से नीचे उतार दिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर देखिए जो हमारा मिक्सचर है ठंडा हो गया, इसको हम छान लेंगे। तो मैंने एक इस तरीके की छलनी ली है और एक बाउल लिया, उसमें हम इसको छान कर इसका जो पल्प है वो अलग कर देंगे और इसका जो पानी है वो अलग कर देंगे और इसका जो जूस है हम अच्छे से दबा दबा कर इसका पल्प भी हम निकाल देंगे और हमें इसको अच्छे से छानना है। और ये देखिए मैंने इसको सारा अलग कर दिया है, बहुत ज्यादा हमें इसको नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी गुठलियां ना इसमें पिसे, नहीं तो ये थोड़ा सा कड़वापन में आ जाएगा
और ये देखिए हमारा बहुत ही बढ़िया जो है जामुन का शरबत बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको सर्व करेंगे। अब ये देखिए जो हमारा शरबत है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ये दो नींबू का रस लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। नींबू की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें ज्यादा नींबू डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम नींबू डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया है, इसमें मैं 3 से 4 बर्फ डाल दूंगी। 2 से 3 ये मैंने नींबू काट के रखे हैं, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, और हम इसमें डाल देंगे जूस जो हमने ये जामुन का जूस बनाकर रखा है। बहुत ही टेस्टी लगता है। कलर देखिए आप इसका, कि आपको देखते ही पीने का मन करेगा। और इसमें अब हमें कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम सारी चीजें इसमें पहले से ही ऐड कर चुके हैं। आप चीनी की क्वांटिटी, नमक की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग जामुन का शरबत, काला खट्टा शरबत बनकर तैयार हो गया है। इसको हम थोड़े से पुदीने के पत्तों से गार्निश कर देंगे और एक लेमन की स्लाइस से। तो ये लीजिए हमारा जामुन का जो शरबत है बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। जब भी आप जामुन का शरबत बनाएं तो आप 2 चीजों का ध्यान रखिएगा। एक तो जब आप इसको पीसे कड़छी से या फिर पोटैटो मैशर से तो इसकी जो गुठलियां है वो ना पीसे, और दूसरा जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप इसमें नींबू का रस ऐड कीजिएगा, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। अगर आप इन 2 चीजों का ध्यान रखकर इसको बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और सब आपकी तारीफ करेंगे।